you're watching Expose India. सलेमपुर लोकसभा सांसद रविंद्र कुशवाहा अपने गोद लिए गांव में सरकारी योजनाओं के साथ देश व प्रदेश के सरकारों द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं को बताने के लिए जब गांव पहुंचे तब हजारों की संख्या में स्थानीय जनता पहुंची। उसी वक्त वहां एक दिव्यांग अपनी गुहार लगाने के लिए मंच से करीब 20 मीटर की दूरी पर खुले आसमान के नीचे बैठा, बारिश से भीगता व ठंड से कांपता हुआ दिखा, पर वहां मौजूद कर्मचारी नेताओं की सेवा में तैनात नजर आए और अपने जिलाधिकारी को खुश करने में लगे रहे। किस लिए आए थे आप यहां पे? ये 500 वृक्ष लगाए जाए और चूंकि ये सांसद आदर्श ग्राम है इसलिए जिलाधिकारी महोदय जी ने ये तय किया कि यहीं से शुरुआत हो और हम भी अभी सेशन सत्र खत्म हुआ है, मानसून सत्र हम आए और हमको जैसे मालूम हुआ तो हम कहीं सीधे सांसद आदर्श ग्राम में जब इतना अच्छा कार्यक्रम वृक्षारोपण का हो रहा तो हमको सम्मिलित होना चाहिए। ऐसा है कि इसके लिए कार्य योजना बन के गई है और PWD विभाग ने और RES ने और तमाम विभागों ने और भी केवल रोड नहीं और भी इस गांव की जितनी समस्या है और उस समस्या से संबंधित जितने विभाग हैं सब ने कार्य योजना बनाई है और बना करके योजना के लिए धन आवंटन के लिए सरकार में मतलब वहाँ प्रदेश में है और बहुत जल्दी ही ये आवंटित होने वाला है।